कलर खरीदने की क्या जरूरत है, उसमें बिलावजह हर साल आप खर्चा करेंगे हर 5-10 साल पर, वो पैसा आप किसी गरीब का पेट भर दीजिए। आप मोटरसाइकिल फोर व्हीलर के बजाय आप जो है पैदल चलिए, पैदल चलना सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है, आप मर्ज से भी दूर रहेंगे और जो पैसा है वो सदका और खैरात कर दीजिए, कितनी अच्छी बात है। और अपने बच्चों की शादी में बारात का सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दीजिए, गाने बाजे डीजे तो बहुत दूर की बात है, बारात ही खत्म कर दीजिए और सादा सा वलीमा कर दीजिए। ये कभी किया किसी ने एतराज करने वालों ने? नहीं, उनको सारा एतराज 11वीं में सूझता है। बर्थडे किसी ने हराम कही? नहीं, उनको सारा एतराज 11वीं की महफिल पर है। बस यही गरीबी है, बस यही गरीबों का पेट पालना है, बस एक देख से गरीब का पेट पल जाएगा। और ये जो जहान भर की हराम कारियां हो रही है, 16-16, 22-22, 50-50 हजार के टीवी, चलो मोबाइल में तो चलो आदमी कह सकता जरूरत है, है? लेकिन उसमें भी कहीं भाई कीपैड से काम चल जाएगा, आपको बातें तो करनी है। राजा अगर कोई कहे भाई हमें सोशल मीडिया कुछ काम होता तो मत करो, इतना जरूरी थोड़े है जितने गरीब की शादी, उतना जरूरी थोड़े है किसी बेवा को पालना, इतना जरूरी थोड़े है जितना जो है किसी गरीब बच्चे यतीम बच्चे को संभालना। आप सादा सा एक कीपैड रखिए, सादी सी जिंदगी गुजारिए, कपड़े भी अच्छे मत पहनिए, हवाई चप्पल पहनिए, जूते मत पहनिएगा और एक झोपड़े में आप रहिए, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत है। तो अपनी जिंदगी पे आप लागू कीजिए, उसके बाद आप यहाँ आकर के बताइए 11वीं शरीफ। और 11वीं शरीफ हम करते हैं, करेंगे, हाँ हम अहले सुन्नत जमात से ये गुजारिश और करेंगे कि आप 11वीं के साथ साथ नेकियों में इजाफा और कर लीजिए, कि जिस तरह से आपको 11वीं का जज्बा है इसी तरीके से बेटियों की शादियों में और गरीबों को गरीबों की मदद करने में भी आप शरीक रहिए, इसको भी आप बढ़ावा दीजिए और उस अल्लाह पर यकीन रखिए आपको पैसे दिए, जिसने आपको दौलतमंद बनाया, जिसने आपको इज्जत दी, जिसने आपको शोहरत दी, जिसने आपको कोई मर्तबा दिया, वो रब पाता। तो अगर आप 10 रुपए देंगे वो 700 गुना तक के हो सकते हैं, वो बेहिसाब तक के हो सकते हैं। जैसा आपका अकीदा है, जैसी आप जैसा आपका ईमान मजबूत है अल्लाह ताला, वैसा आप खर्च कीजिए। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है कि किसी नेक काम को करने के लिए किसी नेक काम को रोक दिया जाए। बताए ये 11वीं की महफिल है, इस महफिल को थोड़ी देर के लिए हम नजरअंदाज कर दें तो हम हदीस में ये देखते, हदीस में पाते हैं, हदीस शरीफ में है कि तहादौ तहाब्बु, फरमाते ये सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदिया लिया दिया करो, हदिया तोहफे तहाइफ गिफ्ट लिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये हदीस मुबारक है। अब कोई साहब कहे देखो हदिया लेना देना तो मुस्तहब है, तुम हदिया लेना देना बंद करो और जो है इसके बजाय गरीबों पर खर्च करो, ये कोई बात हो? हदीस को एक खत्म कर देना, एक तरीके को खत्म कर देना, ये अकलमंदी थोड़े, इसकी भी अपनी जगह अहमियत है, उसकी भी अपनी जगह अहमियत है। ये हदिया लेना देना आपस में दोस्तों में रिश्तेदारों में, ये रिश्तेदारी और दोस्ती को मजबूत करता है, और सदका और खैरात ये और लोगों से दोस्ती को मजबूत करता है। हर एक की अपनी एक हैसियत और अपनी एक जरूरत और अहमियत है, और एक नेकी को खत्म करके दूसरी नेकी को करने से कोई फायदा नहीं होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये दीन पूरा का पूरा मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकता। अगर कुरान और हदीस में किसी चीज के ताल्लुक से बयान है तो हम उसके हिसाब से अमल करेंगे। जैसे ये हदीस मुबारक है और सही हदीस है, देखिए हदीस मुबारक में क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम ज़ियारत से मना किया था, अब कब्रों की ज़ियारत करो। तो अब देखें हदीस में मौजूद है इजाजत थी, कुरान और हदीस में लिखा है कि या इकरार पे नहीं, तो जो कहे कर देंगे, नहीं ला पाएगा। हदीस सही मौजूद है, क्या फरमाया كنت نهيتكم عن زيارة القبور زيارت سے منع کا علا فزورها سنو اب زیارت کیا